हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। दिस इज़ प्रतीक्षा आचार्य। यूपीटी ईजीटी एंड पीजीटी की फुल इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। तो जिन्होंने 2016 में अप्लाई किया है वह भी इस वीडियो को पूरा देखें, जाने किस तरह से मेरिट बनाई जाती है, किस तरह का क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम में आता है, और जो आने वाली वैकेंसीज में अप्लाई करना चाहते हैं वह भी इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उन्हें भी सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इस वीडियो के ज़रिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं यूपी टीजीटी एंड पीजीटी की फुल इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, अब आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। प्लेलिस्ट में जाके डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप और सर्च कीजिए प्रतीक्षा आचार्य। तो वहाँ पा सकते हैं आप सभी अपडेट्स मेरे कोर्सेस के बारे में, देख सकते हैं मेरे सारे लेसन्स और स्लाइड्स डाउनलोड करके देख सकते हैं उनको ऑफलाइन। तो अभी कीजिए डाउनलोड अनअकैडमी लर्निंग ऐप। यूपी टीजीटी पीजीटी में रिक्रूटमेंट डिटेल्स जान लेते हैं कि किस संस्था के द्वारा एग्जाम करवाया जाता है। तो यह करवाया जाता है उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा, जिसे हम UPSC SSB के नाम से जानते हैं। जॉब कैटेगरी गवर्नमेंट जॉब है। तो अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी में अप्लाई करते हैं और क्लियर कर लेते हैं एग्ज़ाम को, तो आप एक गवर्नमेंट टीचर के रूप में जाने जाएंगे। जॉब लोकेशन उत्तर प्रदेश, और मोड ऑफ एप्लीकेशन जब भी आप अप्लाई करेंगे तो आपका जो फॉर्म अप्लाई होगा वो ऑनलाइन ही अप्लाई होगा। ऑफिशियल वेबसाइट जो है इसकी वो है www.upscssb.org। नोटिफिकेशन से आने से लेकर रिजल्ट आने तक की जितनी भी और इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी यूपी पीजीटी टीजीटी की, वो इसी साइट के द्वारा मिलेगी। नेक्स्ट जान लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर यूपी पीजीटी टीजीटी। अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, आपका क्लियर होना चाहिए ग्रेजुएशन, साथ ही आपके पास बीएड या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ जो कि इस वीडियो में रह गई इसमें लिखना, वो है सीटेट या यूपीटेट। सीटेट या यूपीटेट का जो पेपर टू होता है, जो क्लास सिक्स से लेकर एट तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए क्लियर करते हैं टीचर, वो क्लियर होना चाहिए। यानी कि सीटेट एंड यूपीटेट का पेपर टू का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। तो तीन चीज़ चाहिए अगर आप टीजीटी में अप्लाई करना चाहते हैं, पहली तो ग्रेजुएशन, दूसरा बीएड, और तीसरा सीटेट या यूपीटेट का पेपर टू का सर्टिफिकेट। नेक्स्ट है पीजीटी। तो अगर आप पीजीटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। जिस भी सब्जेक्ट से आप पीजीटी में अप्लाई करेंगे उस सब्जेक्ट के पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपको बीएड और सीटेट यूपीटेट जैसी कोई भी डिग्री या सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती पीजीटी में। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको आपके मार्क्स जो मिलते हैं वो आपकी डिग्री पर भी मिलते हैं, मेरिट बनाई जाती है। और जो सिलेक्शन होता है, अब उसकी बात कर लेते हैं किस तरह से सिलेक्शन होता है। तो एस्पिरेंट हु विश टू अप्लाई फॉर यूपी टीजीटी पीजीटी रिक्रूटमेंट विल बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। तो आपका जो सिलेक्शन होता है वो टोटली बेस्ड होता है आपकी परफॉर्मेंस पर। जैसा आपकी परफॉर्मेंस होगी वैसे ही आपको मार्क्स मिलेंगे। अच्छी परफॉर्मेंस होगी तो आपका मेरिट में नाम होगा, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो आप मेरिट से बाहर होंगे। तो ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो सबसे पहले है रिटन एग्ज़ाम और दूसरा है इंटरव्यू। तो सबसे पहले आपको रिटन एग्ज़ाम तो आपको सभी को देना है। अगर रिटन एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई कर जाते हैं तब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। किस तरह से मार्क्स को बांटा गया है, किस तरह से आपको नंबर मिलेंगे ये भी आपको बता देते हैं। द एग्ज़ाम पैटर्न फॉर यूपी टीजीटी पीजीटी रिक्रूटमेंट विल बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ वेटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द एग्जामिनेशन। द वेटेज ऑफ मार्क्स फॉर सिलेक्शन इज डिफाइंड इन बिलो डिटेल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक लिस्ट बनाई गई है जिसमें पूरा डिटेल दे रखा है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है वो होता है 500 मार्क्स का।
तो जिसे आप कहते हैं ना पूर्णांक, तो पूर्णांक होते हैं 500 मार्क्स, जिसमें रिटन एग्जाम के 85% मार्क्स में से आपको नंबर मिलते हैं जो होते हैं 425। तो जो रिटन एग्जाम होता है वो 425 मार्क्स का होता है, जिसमें आपका जो एक पेपर, आपको एक पेपर मिलता है, चाहे आपने टीजीटी के लिए अप्लाई किया हो चाहे पीजीटी के लिए अप्लाई किया हो, आपका एक पेपर होगा जिसमें 120 क्वेश्चन होंगे। 120 क्वेश्चन जो होते हैं उनके का जो सॉल्व करने का टाइम होता है वो भी 120 मिनट का होता है, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो यह जो पेपर होता है वो होता है 425 मार्क्स का, जिसमें से आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने होते हैं। नेक्स्ट जो है वो है स्पेशल मेरिट। अगर चाहे आपने टीजीटी से अप्लाई किया हो चाहे पीजीटी से अप्लाई किया हो, अगर आपके पास पीएचडी है तो आपको 500 का 2% मार्क मिलेगा। यानी कि अगर आपने पीएचडी किया है तो आपके मार्क्स में 10 नंबर और जुड़ जाएंगे। अगर आपने एमएड किया है, एमएड भी किया है, तो और 10 नंबर आपके मार्क्स में जुड़ने वाले हैं। 500 का जो 2% होता है वो होता है 10, तो 10 मार्क्स और आपके नंबर में जुड़ जाएंगे। अगर आपने बीएड किया है, चाहे आप टीजीटी हो चाहे आप पीजीटी हो, अगर आपने पीजीटी के लिए अप्लाई किया है तो बीएड और एमएड ज़रूरी नहीं है, अगर फिर भी आपने बीएड एमएड या पीएचडी किया है तो आपको ये मार्क्स, आपके जो मार्क्स हैं उनमें ऐड होने वाले हैं। अगर आपने बीएड भी किया है तो आपको 5 मार्क्स और मिलने वाले हैं। तो इस तरह से नंबर्स का बंटवारा किया गया है। तो 425 इसके, 10 इसके, 10 इसके और 5 इसके, तो ये टोटल हो गए 20, 30, 40 और 50। तो 450 मार्क्स का ये पूरा एग्ज़ाम होता है, और फिर उसके बाद इंटरव्यू के मार्क्स भी आपको जोड़े जाएंगे जो होते हैं 50 में से। यानी कि 500 का 10% मार्क्स आपका इंटरव्यू का जोड़ा जाएगा, यानी कि आपको 50 में से इंटरव्यू के मार्क्स मिलेंगे। तो टोटल नंबर जोड़कर मेरिट बनाई जाती है, जो बनती है 500 में से, 500 मार्क्स में से। तो 500 मार्क्स में से जो जिस नंबर पर होगा, जिसकी परफॉर्मेंस जैसी होगी, वही मेरिट में उसका नाम होगा। और अगर आप अच्छे नंबर लाते हैं, अच्छी मेरिट, आपकी टॉप पर आपका नाम होता है टॉप 5 टॉप 10 में, तो आपको आपके मनपसंद का स्कूल भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। जो आप स्कूल चाहेंगे वही स्कूल आपको मिलेगा। तो इसीलिए कह रहा जा रहा है कि पूरा प्रोसेस है वो आपकी परफॉर्मेंस पर बेस्ड होता है। तो अपनी परफॉर्मेंस आपको बहुत अच्छी रखनी है। एग्जामिनेशन सेंटर फॉर यूपी टीजीटी पीजीटी, तो ये एग्जामिनेशन सेंटर होते हैं, यहीं पर आपको एग्ज़ाम देना होता है। तो आप अपने, ज़रूरी नहीं है कि आप जिस एरिया में रहते हो वहाँ पर भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर पड़े, तो सिर्फ यही जगह हैं जहाँ पर ये सेंटर पढ़ते हैं। तो आप नियर अबाउट जो भी केंद्र को, जो शहर चुन सकते हैं वह चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, बता दूँ थोड़ा सा एग्ज़ाम डिटेल के बारे में, किस तरह से एग्ज़ाम आता है। जो पेपर आता है वह एक ही पेपर होता है, तो बहुत लोगों को कंफ्यूज होते हैं कि शायद दो पेपर होते हों या एक पेपर होता हो, या उसमें जीके आती है क्या, रीजनिंग आती है या इंग्लिश हिंदी आता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, बस एक पेपर आएगा जिसमें जो भी सब्जेक्ट से आपने अप्लाई किया है उसी के 120 क्वेश्चन होंगे, और वह सभी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, 120 क्वेश्चन होंगे, और जो टाइम होगा वो भी 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। 2 घंटे में आपको वो 120 क्वेश्चन करने हैं। इसके अलावा ना हिंदी आएगी, ना इंग्लिश आएगी, ना रीजनिंग आएगी, ना मैथ आएगी। जिस सब्जेक्ट से आपने अप्लाई किया है, चाहे आप हिंदी से अप्लाई किया है तो हिंदी के 120 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश से अप्लाई किया है तो इंग्लिश के 120 क्वेश्चन होंगे, अगर आपने टीजीटी में सोशल स्टडी से किया है
तो आपके सब्जेक्ट के यानी कि जो चार पार्ट होते हैं यानी कि चारों पार्ट के 60-60 क्वेश्चन होते हैं, जो जिनमें से कोई भी दो आपको चूज करने होते हैं, यानी कि टोटल 120 क्वेश्चन करने होते हैं, दो पार्ट करने होते हैं। अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई करने हैं तो हिस्ट्री से अगर आपने अप्लाई किया है तो हिस्ट्री के ही 120 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो क्वेश्चन जो होते हैं ये ध्यान रखिए सिर्फ टीजीटी और पीजीटी के जो सब्जेक्ट हैं उसी से रिलेटेड होते हैं, कोई भी अदर क्वेश्चन या अदर सब्जेक्ट का क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम पेपर में नहीं मिलेगा। आपको तैयारी कैसे करनी है ये भी बता देते हैं कि जो तैयारी आपको करनी है, क्योंकि जो पेपर होता है उसमें 120 क्वेश्चन होते हैं और 70% क्वेश्चन जो होते हैं वो आपने जो 12th तक पढ़ा है, 9th से लेकर 12th तक को आपकी जो बुक्स हैं आपको बिल्कुल रट डालनी है, समझ डालनी है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ डालनी है, कोई भी पॉइंट आपका छूटना नहीं चाहिए। और स्पेशली आप कोशिश करिएगा आप एनसीईआरटी साथ ही यूपी बोर्ड की जो बुक्स होती हैं उनको भी ज़रूर पढ़ें। यूपी बोर्ड की जो बुक्स होती हैं जो आपने अपने कॉलेज टाइम में पढ़ी हैं, अगर आपने यूपी बोर्ड से अगर क्लियर किया है अपना 10th और 12th तो आपके पास जो बुक हैं तो आप उन बुक से ज़रूर पढ़िए, तो बहुत सारा पेपर बहुत सारे क्वेश्चन आपको उसी उन्हीं बुक्स में से मिल जाएंगे। बाकी जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के क्वेश्चन होते हैं तो आपको सिलेबस भी प्रोवाइड करवाया गया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप उन बुक्स में से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप सोचें कि हम किसी एक पब्लिकेशन की बुक लेकर उसको पढ़ डालें और शायद उसमें से हम पास हो जाएंगे तो ऐसा कभी नहीं होता, ना एक बुक में से कभी आता है। तो आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने जो बुक्स हैं 9th, 10th, 11th, 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की उन बुक्स को ही पढ़ना होगा, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। तो ये थी यूपी टीजीटी पीजीटी से संबंधित डिटेल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक से क्या होता है कि हमें हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हमें ऐसा लगता है कि आप लोग हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाते रहें, इसके लिए हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता रहता है। तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि यूपी टीजीटी पीजीटी से संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी, चाहे 2016 के एग्ज़ाम की बात करें या आने वाली वैकेंसीज की बात करें, तो सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहेगी। कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और पूरी कोशिश की जाती है कि आपके हर कमेंट का जवाब आप तक पहुंचाया जाए। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।